बाड़मेर जिले के चोटन उपखंड के ग्राम पंचायत आलमसर से साइयों का ताला जाने वाला सरकारी मार्ग अतिक्रमण किया हुआ है। जो अतिक्रमणधारी राजनीतिक पहुंच के कारण सरकारी मार्ग के अतिक्रमण कर लेते हैं, वहीं आपको बता दें कि पूर्व में भी हल्का पटवारी अभिलेख अधिकारी के द्वारा कई बार पैमाइश करने के बावजूद सरकारी मार्ग पर अतिक्रमण कर देते हैं। अतिक्रमण के कारण विद्यार्थियों और ग्रामीणों का आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। क्या समस्या है आपके? सबसे साफ है, मार्ग हमारा गरीब मिनखा मार्ग एक पांच बार अराई पटवारी गांव का कुल माप उठाए गया चेरा। आज 4 साल पासे हुए ऑर्डर लाया मैं पत्थरबंदी कराऊ, ऐसा में आया था पत्थरबंदी करी हुई नहीं। नहीं नहीं, टाइम चेना खो गया। मार्ग आपके खेत में आ रहा है का सामने वाले? सामने सुजाड़ खेत में आ रहा है। सुजाड़ का झगड़ा है, जिकेरा छोकरा है गार्ड एमएल रे। कौन सा एमएलए? एमएलए तारे पद्माराम। अच्छा। गार्ड उए जोर में ना है, हमारा को दबा रहे हैं, गेड़े खड़े ला रहे हैं, काले गेड़ी खड़े आयो जबरदस्ती चेना खो जबरदस्ती तारा बंदी। और हमें तो साहब बीजो तो मैं और बोला फिर गया तहसीलदार, तो तहसीलदार दबा जाए अहमद रहे मेरा। हमें तो साहब हरी साहब है जो वो उम्मीद है कि भाई हम कहेंगे कोई फैसला होगा। हरी जी से क्या बात हुई है? नहीं हुई नहीं, हमें साहब मरता क्या करा, ये तो मैं फिर गया। हमें तो हरी साहब सुझे जी कौन सुझे माना साहब यह करो कि 10 साल थे आए मापे ये सुझा पत्थर बंद जबरदस्ती में रोड बंद कर रहे हैं। हमारा बच्चा जाएं आलमसर जाएं नत केली जाएं कुलाना बंद कर दे आएं, ऐसे गरीब माड़ू है बच्चा ले किनका दूं। अच्छा। हाँ बंद करना चाहे सरकार गवर्नमेंट कर दे, नहीं कर दे तो आसाना तप्पड़ घता। तहसीलदार एसडीएम से बात हुई आपके, आप मिले क्या? तो पेल के 10 को मरा पटवारी आयो अराई आयो आप चुना खोए चुना भंजे जबरदस्त सुधार। हमें पछे बड़े रोके बैठो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरा राम है सर। अच्छा, क्या समस्या है ये रास्ते वाले? सर आज समस्या कई दिनों से 2-3 साल हो गए हैं, जो प्रशासन आता है मौके पर। अच्छा। प्रशासन आता है खोल के चला जाता है, बाद में ये लोग क्या है अपनी मन मर्जी से बंद कर देते हैं। अच्छा। रास्ता ये सेटलमेंट टाइम का है? सेटलमेंट वक्त का रास्ता है सर। अच्छा। आज से भारत आजादी के टाइम का ये रास्ता है, आजादी से पहले का भी ये कटा हुआ, अंग्रेजों के जमाने का ये रास्ता है सर। अच्छा। लेकिन ये लोग क्या बंद कर देते हैं, जोर जबरदस्ती चलाते हैं। और रही बात अब हुसैन ने जो कहा है कि ये पद्माराम का गार्ड है, तो पद्माराम जी तो एक बहुत सीधे साधे आदमी है। पद्माराम जी ने इसको थोड़ा ही कहा कि ये भाई तुम बंद कर लो। पद्माराम जी तो गरीबों के हित में रहते हैं, ये पद्माराम के नाम से धमकाता है। पद्माराम जी को हमने 2-4 बार बात समझाई है और आज भी हम फोन करके कहेंगे, और हमें भरोसा है कि एमएलए साहब न्याय दिलाएंगे और न्याय हित में रहेंगे। पूरा यकीन है एमएलए साहब पर कि न्याय पे रहेंगे। एसडीएम तहसीलदार से बात हुई है? तहसीलदार जी से नानका राम जी से अभी मेरी बात हुई है, 10 मिनट पहले बात हुई है। सर ने भरोसा दिलाया कि आप, हमने कहा हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, सर ने कहा है कि आपकी कार्रवाई कल तक मैं संचारी व्यवस्था करवा दूंगा, और सर पे भरोसा है तहसीलदार जी से और एमएलए साहब पर, दोनों पे हमें यकीन है, भरोसा है कि हमारा।